हेलो गार्डनर्स, वेलकम बैक टू आर डेली गार्डन ब्लॉग सीरीज़। यहाँ हमारे देखिए धूप में हम लौकी के प्लांट्स कितने बढ़िया हो गए हैं और बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने मिल रही है इसमें। मैंने खाद भी दी थी, गुड़ाई भी की थी, तो आप ध्यान रखें प्लांट्स की, आप टाइम टू टाइम गुड़ाई करते रहे तो इससे आपके प्लांट्स बहुत ही अच्छे हेल्दी बने रहते हैं। बाकी हमारे पास इधर हमारे करी पत्ता की ग्रोथ भी बहुत ही प्यारी हो रही है और मैरीगोल्ड्स की भी। बाकी धीरे धीरे हमारे ये विंटर फ्लावरिंग क्रिसैंथेमम, ये भी सही ग्रोथ पकड़ रहा है इधर भी, और इसमें भी फ्लावरिंग चालू होगी कुछ दिनों में। बाकी हमारी यहाँ देखिए पालक के हमने बीज डाले थे तो पालक की ग्रोथ भी देखने मिल रही है। ये हमारा लेमन का प्लांट है। इधर हमारे बैंगन, देखिए बैंगन भी जनरेट हो रहे हैं, उसमें बन रहे हैं। बाकी यहाँ पे है हमारे पास कुछ और मैरीगोल्ड्स, और हमने कटिंग्स लगाया था हिबिस्कस और रोज़। बाकी हमारे ये देखिए छोटे छोटे से एक्चुअली कमल और प्यारे से सकेलेंट्स। हमारा वॉन्ड्रिंग जीव हैंगिंग प्लांट है, यहाँ हमारी रेडिश हैं और कुछ पुदीना भी लगा है, कुछ और छोटे छोटे से लक्ष्मी कमल सकेलेंट्स हैं। और यहाँ हमारी रोज़ की कटिंग है और इसमें बर्ड आ रहा है। देखिए ये हमारा है बॉन्जाई, जेड का, डॉट जेड का बॉन्जाई, देखिए कितना ब्यूटीफुल सा नज़र आ रहा है। बाकी हमारी स्नेक प्लांट की कटिंग लगी हुई है, ये भी बहुत ही सुंदर तरीके से कटिंग से उग गया है, बहुत सारे जनरेट कर लिए मैंने। इधर हमारे पास है कुछ तुलसी के प्लांट्स और कुछ है हमारे ये रोज़ का कटिंग से लगाया वाला पौधा। ये हमारे भिंडी का प्लांट है, देखिए यहाँ पे अभी भी फ्लावर आ रहे हैं तो भिंडी हमें मिल रही है अभी भी यहाँ से। ये रोज़ की कटिंग, रोज़ वाइट रोज़ है हमारे पास। इधर हमारे शमी का प्लांट में भी देखिए ग्रोथ कितनी प्यारी देखने मिल रही है। और ये हमारा मिर्ची का प्लांट है, ये मनी प्लांट हमारा, देखिए फॉलेज कितना सुंदर नज़र आ रहा है। बाकी हमारा ये कोलियस, और इधर हमारी ये कॉम्पोस्ट बिन्स रखे हैं, तो आपको भी ऐसे ही एक टेरेस गार्डन, वेजिटेबल गार्डन, विंटर गार्डन उगाना है तो आप मेरे ब्लॉग्स को ज़रूर फॉलो करें, टिप्स फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।